आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग हमारा चैनल आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, हमारे नुस्खे होते हैं वो वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं, इसलिए आप लोग चैनल को आज और अभी सब्सक्राइब कर लें। आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेंगे। दोस्तों, गर्मियां आ चुकी हैं, अक्सर तनाव या थकान की वजह से सिर में भारीपन की समस्या आपके हो सकती है। सिर में भारीपन दरअसल नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई समस्या है। सिर में भारीपन या हल्के दर्द के कारण किसी काम में मन नहीं लगता है और ध्यान लगाने में भी परेशानी होती है। कई बार ये सामान्य सिर दर्द या सिर का भारीपन इतना ज्यादा होता है कि उलझन होती है और दर्द बर्दाश्त कर पाना मुश्किल हो जाता है। बाजार में सिर दर्द की बहुत सी दवाएं मौजूद हैं, लेकिन इन दवाओं का हमारी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सिर में भारीपन की समस्या को आप कुछ घरेलू उपायों के द्वारा ठीक कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से घरेलू उपाय हैं जिनसे आप अपने सिर दर्द, माइग्रेन और सिर में भारीपन की समस्या को दूर कर सकते हैं? वो सबसे पहला है नींबू का प्रयोग। लगातार सिर में भारीपन या दर्द की शिकायत रहने पर एक ग्लास गर्म पानी में नींबू का रस मिलाकर पिएं या बिना दूध की चाय में नींबू की कुछ बूंदें मिलाकर पिएं। इससे सिर का दर्द तुरंत भग जाएगा और सिर दर्द में आराम मिल जाएगा। सिर दर्द के लिए केवल नींबू के छिलकों का पेस्ट बनाकर माथे पर मसलने से भी सिर दर्द में आराम मिल जाता है। इसके लिए आप नींबू के छिलकों में थोड़ा सा पानी मिलाकर पेस्ट बना लें, फिर इसे अपने माथे पर कुछ देर के लिए लगा लें। कुछ देर आंखें बंद करके लेट जाएं, फिर इसे साफ कर लें, आपको राहत महसूस होगी। सौंठ का प्रयोग। सूखे अदरक का पाउडर अर्थात सौंठ एक चम्मच लें, इसे पानी में मिलाएं और एक पैन में रखकर थोड़ा गर्म कर लें। अब आंच से हटाकर ठंडा होने के लिए इसे रख दें और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इसे माथे पर लगा लें। थोड़ी देर में आपका सिर दर्द छूमंतर होने लगेगा। लौंग और नमक के जरिए भी आप अपने सिर के दर्द को भगा सकते हैं, जरा देख लीजिए। इसे लगाने के लिए लौंग पाउडर और नमक का पेस्ट बना लें और फिर इस पेस्ट को दूध में मिलाकर पिएं। जैसा कि नमक में हाइग्रोस्कोपिक गुण पाया जाता है जिससे सिर दर्द में आराम मिलता है। नींबू और गर्म पानी का प्रयोग भी कर सकते हैं, जरा देख लीजिए। लगातार सिर में भारीपन या दर्द शिकायत रहने पर एक गिलास गर्म पानी में नींबू का रस मिलाकर पिएं, क्योंकि कई बार पेट में गैस बनने से भी सिर दर्द होता है और नींबू पानी पीने से न सिर्फ गैस की समस्या दूर होती है बल्कि सिर दर्द भी ठीक हो जाता है। लहसुन के प्रयोग के जरिए भी आप सिर दर्द को भगा सकते हैं, जरा देख लीजिए। लहसुन का रस पीने से लगातार सिर दर्द रहने की समस्या में आराम मिलेगा। इसे तैयार करने के लिए लहसुन के कुछ टुकड़े लें और उन्हें निचोड़ कर रस निकाल लें और कम से कम एक चम्मच रस पिए। दरअसल लहसुन एक कारगर पेन किलर होता है जिसे सिर दर्द में आराम मिलता है। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।